मामला जनपद इटावा के कस्बा जसवंत नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। पिछले माह दो गांवों में दो ट्रैक्टर चोरी हो गए थे। पुलिस तभी से सुराकसी में लगी हुई थी। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर शंकर ढाबे के पास बंद पड़े भट्टे के पीछे पुलिस ने छापामार पर ट्रैक्टर पर बैठे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तीन व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार उर्फ सुनील पुत्र भूरे सिंह उर्फ सुभाष चंद्र ग्राम गुदायू लाइन पार जनपद फिरोजाबाद बताया है। वहीं पकड़े गए चोर ने जुर्म कबूल करते हुए अपने अन्य साथियों के नाम पते भी बताए हैं। बताए गए नाम पते के आधार पर पुलिस चोरी की धरपकड़ में जुड़ गई है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज जसवंत नगर थाने में एक ट्रैक्टर चोर पकड़ा गया है, जो वास्तुतः एक टीम, इनकी तीन टीमों में बटी हुई है। एक व्यक्ति मौके से उठाता है और एक डीलिंग वाले होते हैं जो कि बेचवाने का काम करते हैं, और वो तीसरा ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां पर वो सेट करके पैसा वसूली करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चोर राजेश कुमार यादव नाम है इसका, ये रहने वाला लाइन पार फिरोजाबाद का है, लगभग 45 साल इसकी उम्र है। ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पोजीशन से दो ट्रैक्टर चोरी महिंद्रा के बरामद किए गए हैं। इनको इस पूछताछ से इसने बताया है कि इसमें टोटल 6 लोग इस गैंग में शामिल हैं। उसमें मैनपुरी का भी ट्रैक्टर इन्होंने चोरी किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अमरोहे में ट्रैक्टर बेचने का, मेरठ से भी कनेक्शन है इनका, साथ ही साथ मथुरा तथा फिरोजाबाद से भी इनका कनेक्शन है। इस पूरे अपराध में ये काफ़ी शरारती और बहुत ही गंभीर गैंग है। इसका रजिस्ट्रेशन भी मेरे द्वारा कराया जाएगा इस गैंग का। इसमें दो लोग ऑलरेडी जेल में हैं फिरोजाबाद से, और अभी भी क्या कहते हैं, तीन लोग अभी बाहर हैं जिनको अभी जसवंत नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जाना है। तो ये दो ट्रैक्टर महिंद्रा के दो दो लाख के जो बेचे गए थे, बरामद किए गए हैं। लगभग 4 लाख कीमत के ये ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, जिनकी चोरी के मुकदमे जो है जसवंत नगर थाने में मई में और जून माह में क्रमशः दर्ज थे। तो इस प्रकार से एक बड़ी बरामदगी, लगभग 4 लाख रुपये की ट्रैक्टरों की, और जो उसका दाम बेचा गया था वो बरामद किया गया है। और दोनों ट्रैक्टर मिलाकर लगभग 10 लाख प्राइस के हैं, और इनको जेल भेजने की कार्रवाई राजेश यादव की जा रही। बाकी तीन मुजरिम जो वांछित हैं, और उन पर उनको जल्दी ही टीम लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।